जिलाधिकारी के विजयन पांडेयन और एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की संख्या के मद्देनजर प्लेटफार्म नंबर 1, 2 और 9 का निरीक्षण किया तथा श्रमिक स्पेशल ट्रेन से आए प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह जनपदों में भेजने की स्थिति का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक व्यक्ति की जांच की जाए तथा उन्हें भोजन आदि के बाद ही उन्हें उनके गृह जनपदों में रोडवेज के बसों के माध्यम से भेजा जाए जिससे वे सकुशल अपने घर तक पहुँच सकें। इस संबंध में टेलीफोन पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SDM सदर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा जो बना है उसी में हम लोग खड़े रहे, एक एक गोले में सभी लोग खड़े रहे, एक एक गोले में खड़े रहिए और आप लोग आएंगे अभी, क्योंकि कई 15-20 दिनों से ट्रेनों की संख्या बढ़ती जा रही है, सर्वाधिक ट्रेनें विकसित की हैं, तो लगभग 50-60 ट्रेनें हो गई हैं। तो ट्रेनों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने 2 प्लेटफॉर्म और अतिरिक्त खोलने का निर्णय लिया था, जिसमें प्लेटफॉर्म नंबर 2 और प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर भी ट्रेनों को रुकवाकर वहां से पैसेंजर्स को, श्रमिकों को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जा रहा है। तो अब ऐसे टाइम की कुछ प्लेटफॉर्म पे ट्रेनें रुक रही हैं, जिससे क्योंकि अब ट्रेनों की संख्या बढ़ती है, 20-22 ट्रेनें प्रत्येक दिन आ रही हैं, तो इसीलिए 2 अतिरिक्त प्लेटफॉर्म को खोलकर ट्रेनों के ठहराव और वहां से यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए प्रशासन ने कदम उठाया है।